राक्षस कई सालों से मानव जाति के बीच में छुप के रह रहा है। जी हाँ, हमने ही इसको पना दे रखी है और ये पाकिस्तान में रहता है। ये जीता जागता एग्जाम्पल है अक्ल बढ़िया भैंस का, बल्कि इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा भी नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। ये लोगों को गांड में उंगली करे बिना रात को चैन की नींद नहीं सो सकता। एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 10 साल खाना खाते हुए निकाल देता है और उसके बाद आता है ये, जिसने साइंटिस्ट को न्यू रिसर्च करने पे मजबूर कर दिया। ऐसी हैवानी ताकत जो ये शुतुरमुर्ग लेके पैदा हुआ है कि पाकिस्तान के ढाबों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये खान बाबा नहीं, चलता फिरता एटॉमिक रिएक्शन है। इसको रहने के लिए 10 एकड़ की बंजर जमीन लगती है। लोग बॉडी को जिम, प्रोटीन, डाइट, स्लीप और रेस्ट से बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसको बॉडी बनाने के लिए तकिया, बेडशीट, कंबल, तौलिया और तो कुशन लगते हैं। सही है, प्रोटीन और जिम के पैसे भी बच जाते हैं। ये भैंस असुर की 8वीं औलाद है। बंद कमरे में इसका दम घुटता है, क्योंकि जिस भी रूम में ये जाता है वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मैंने ब्रह्म राक्षस कभी देखा नहीं था, पर सुना बहुत था, लेकिन अब तो गलती से देख भी लिया। पर यार ये मुक्ता कैसे होगा, मतलब इसका तो हाथ ही नहीं जाता होगा वहां तक। पक्का उस काम के लिए भी इसने 4 आदमी रखे होंगे। प्लीज इसको क्रिंज समझ के माफ कर देना, क्योंकि वो भी एक इंसान है, करता होगा रोजी रोटी के लिए, बट इंसान तो तुम भी हो, इसलिए एक ही बार गालियां देके भड़ास निकाल लेना अपनी। बट कुछ भी हो, इस गुब्बारे की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के संबंध ठीक हो गए, आपसी सहमति की वजह से। खली की ये नाजायज औलाद किसी नजर बट्टू से कम नहीं है। इसको हाथ लगाने पे सिर्फ हवा और सॉफ्टनेस फील होती है। ये सच्चाई बाहर ना जाए, इसीलिए उसके पीछे भाग रहा होगा। अब पंगा ये है कि ये कार के अंदर तो घुस नहीं सकता। That's it, बस यही बात है। ये थाली का बैंगन वो चिरान है जिसे आप टच नहीं कर सकते, करना भी कौन चाहता है, जिससे आप बात नहीं कर सकते, अगेन करना भी कौन चाहता है, क्योंकि ये खुला सांड बात बात पे पागल हो जाता है। जैसी गिरा बाउंस हो गया। अरे यार। जी हाँ भाई और बहनों, खान बाबा सिर्फ इससे डरता है, इससे जो मैं देख रहा हूँ इससे डरता है वो। ये पता नहीं कौन से इलाके में रहता है जहाँ इतनी ठंड पड़ती है। आपने इसको कभी भी बिना कपड़े के नहीं देखा होगा, क्योंकि ये खुद भूल गया कि ये दिखता कैसा है। एक बार पैक होने के बाद ये खुल नहीं सकता। इसी सेम वीडियो का एक बैक शॉट भी है। ओह फक। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। आदत से मजबूर और बुढ़ापे में बेरोजगारी से प्रभावित होके स्विच बोर्ड में उंगली देने के बाद इतनी भूख लग गई इसको कि ये भूल गया कि करंट खाने के बाद इसके बाल भी खड़े हो गए थे। बट चलो कुछ तो खड़ा हुआ। बॉय वीकेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। कोई भी आता जाता है इसको मार के चला जाता है, कभी भी, मतलब कुछ भी आए। अभी अपना हाथ देख रहा था, लगता है जोर से लगी बेचारे को। इसकी वीडियो में आसपास खड़े लोग हंसते क्यों रहते हैं, जैसे आप और मैं हंस रहे हैं। हंसते हैं, हंसते थे, हंसते रहेंगे ऑलवेज। अबे जान लेगा क्या, छोड़ दे उसको। इसको ऑर्गेज्म मिलता है क्या ये सब बकचोदी करके? बड़ा ही गजब गजब टू बी वाज आदमी हो। प्रैक्टिकली नहीं तो टेक्निकली सही, मिलता तो है। ओ रियली? ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ दी खान बाबा ने? ये तो वही बात होगी कि सबको पता था कि एग्जाम में क्या आने वाला है। आज ये स्टोन है, स्टोन इसको मैं एक हाथ से तोड़ूंगा।
यही स्टोन अगर इसको गलती से गलत जगह पड़ गया तो इसके आने वाली पुश्तों पे फुल स्टॉप लग जाएगा। खुश तो बहुत हो गए तुम नहीं? बॉय अरे भाई साहब ही तोड़ दिया, किसी को क्या ही पता चलेगा, यही रिएक्शन चाहिए था ना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड किसी को भी हेट मत देना, वो भी एक इंसान है, माना कि थोड़ा इंसान तो नहीं है जानवर ही है आई गेस, बट व्हाटएवर द थिंग इज, प्लीज किसी को हेट मत देना एंड अपना प्यार बनाए रखो, ओके ऑलवेज।